उत्तर प्रदेश की पुलिस की तानाशाही और निर्ममता अक्सर योगी सरकार की बदनामी का सबब बनती है। चाहे कानपुर के मनीष की हत्या का मामला हो अथवा उत्तर प्रदेश के कई अन्य मामले, लोग अभी इनको भूल नहीं पाए थे कि शाहजहां पुलिस के करतूत एक बार फिर योगी की निरंकुश पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दरअसल मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के टाउन हॉल स्थित ओवरब्रिज के पास का है, जहां रात लगभग 9 बजे के आसपास दो बाइकों में टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार आपस में झगड़ते हुए मारपीट करने लगे। बाइक सवारों को लड़ते देख पड़ोस में ही स्थित महाकाली पैलेस होटल के स्वामी देवाशीष पांडे बीच बचाव करने पहुंचे। इतने में ही कैंट चौकी के 3-4 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और बिना कुछ सोचे समझे बीच बचाव कर रहे देवाशीष को उन्होंने बुरी तरह पीटने लगे। इस बीच दोनों बाइक सवार तो मौके से भाग गए, किंतु देवाशीष पांडे को पुलिस ने सड़क पर गिराकर लात घूसों से मारना जारी रखा। किसी तरह से पुलिस के चंगुल से छूटकर अपने होटल पहुंचे। गौरतलब है कि देवाशीष पांडे एक बड़े व्यवसायी के बेटे होने के साथ ही स्वयं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदर मंडल अध्यक्ष भी हैं। घटना की सूचना पाकर भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए रोड को जाम कर दिए। सूचना पाकर पुलिस के कई अधिकारी व कई थानों की पुलिस फोर्स भी जाम खुलवाने के लिए पहुंच गई, किंतु नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जाम नहीं खोला और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने लगे। इस बीच भाजपा महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता व सीओसीटी सरवण जी भी मौके पर पहुंचे और घटना में शामिल एक दीवान को लाइन हाजिर करने तथा शीर्ष पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। फिलहाल लोगों में चर्चा ये है कि जब सत्ता पक्ष के युवा नेता और बड़े व्यवसायी के साथ पुलिस ऐसी बेरहमी कर सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। क्या मामला था इसमें और मतलब पुलिस आने के बाद में क्या सस्पेक्ट है? उसमें एक एसआई भी साथ में दिख रहा है, उसके खिलाफ कुछ दिखा आप लोगों को? वो दिखे नहीं है, वो कह रहे हैं कि कल हम उसके फोटो वगैरह सब देखेंगे। अभी जो दीवान जी दिख रहे हैं उनको लाइन में भेज दिया है, इस बात को लेकर वो मोर्चा के सभी लोग संतुष्ट हैं, बेवजह लोगों को परेशानी ना हो, इस बात को लेकर सब कुछ। यहाँ पे क्या हुआ था? पहले मैं ये बता, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं व्यवहार शर्मा हूँ, ददरो मंडल का युवा मोर्चा का पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे देवाशीष पांडे सदर मंडल के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे एक महाकाली होटल सामने एक एक्सीडेंट हुआ बाइक का। कब हुआ था ये? आधा घंटा एक घंटे पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सीडेंट होता है, यहाँ शोर शराबा होता है, तो देवाशीष पांडे बाहर निकल के आए, बोले यहाँ पे क्या हुआ। पुलिस वाले उनसे गालियाँ देते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। जब वो उनका बहिष्कार करते हैं तो वो उनके ऊपर हाथ चलाते हैं। पुलिस वाले कैंट चौकी के एसएसआई थे और दो उनके सिपाही थे, उन लोगों ने उनके ऊपर हाथ चलाए, वो वहाँ से जब भागे। सर, जो अपने प्रतिष्ठान होटल महाकाली पैलेस पे आ रहा था, जब मैं होटल के ऊपर मतलब पुल के ऊपर पहुंचा तो मुझे वहाँ पे एक व्यक्ति जो है बहुत गंभीर हालत में पड़ा हुआ मिला वहाँ पे, और उसे 2-3-4 लोग बहुत बड़ी तरीके से मार रहे थे। पास ही में चीता की बाइक खड़ी हुई थी, वो दोनों पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप यहाँ खड़े हुए हैं कि व्यक्ति गंभीर हालत में पड़ा हुआ है, उसे आप क्यों नहीं बचा रहे हो? तो उन्होंने कहा ऐसा है भाई साहब, अपना काम करिए आप। तो मैंने उन्हें अपना परिचय दिया, मैंने कहा मैं होटल का भाई साहब ओनर हूँ और साथ ही साथ मैं भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ सदर का। तो उन्होंने कहा ऐसा है भाई साहब, अपना काम करिए। तो मैंने उनसे थोड़ा वाद विवाद करा, तो उन्होंने क्या करा कि मेरे ऊपर हाथ चलाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे आया भाई साहब, यहाँ पे आने के बाद मेरे यहाँ पे कम से कम 10-12 लोग, मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी आज 31 तारीख को, अपनी जितनी कार्यकारिणी थी उनकी पार्टी रखी हुई थी यहाँ पे, तो वो सब लोग यहाँ खड़े हुए थे। तो वाद विवाद में मतलब वो लोग चले गए, मतलब उन लोग का जो मानने का तरीका था भाई साहब, उन्होंने लाते भी चलाई और सब कुछ करा। मतलब कौन लोग थे वो लोग? वो लोग भाई साहब कैंट चौकी के मतलब दो सिपाही थे उसमें और एक दरोगा था।